अब दूसरी खबर देखिए, ये भी आज के युवाओं के लिए है और आपके परिवार में जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनके लिए है। पहली खबर हमने दिखाई आपको हॉकी से, अब खबर दिखाते हैं क्रिकेट से। लेकिन इन दोनों में एक समानता है, समानता है दोनों खिलाड़ियों की कहानी, समानता है संघर्ष की कहानी। समानता यह है कि जीवन जब आपके साथ नाइंसाफी करता है तो आप कैसे अपने परिश्रम से उस नाइंसाफी को भी इंसाफ में बदल देते हैं। और आज उस खिलाड़ी की बात करेंगे आपके साथ जिसके बारे में आज हमारे देश में पूरे दिन बात होती रही, और इस खिलाड़ी का नाम है शुभमन गिल। आपने कपड़े की मिल के बारे में सुना होगा, चीनी की मिल के बारे में सुना होगा, बहुत तरह की मिल होती हैं, लेकिन भारत के बल्लेबाज शुभमन गिल ने आज रनों की मिल लगा दी है। आज उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ हुए पहले वनडे मैच में दोहरा शतक लगाकर कई नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं। लेकिन इन रिकॉर्ड्स के पीछे संघर्षों की भी एक कहानी है, और आज हम आपको शुभमन गिल की इसी संघर्षों वाली कहानी के बारे में बताना चाहते हैं। किसने कितने रन बनाए, मैच में क्या हुआ, रणनीति कहां सही हुई कहां गलत हुई, ये विश्लेषण तो आप देख ही लेंगे भारत के स्पोर्ट्स चैनल्स पर, और दूसरी जगह विशेषज्ञ आपको बता देंगे। लेकिन ये जो आज तस्वीर आप देख रहे हैं शुभमन गिल की, इसके पीछे कौन सी कहानी है, हम आपको बस ये बताना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये बताते हैं कि आज शुभमन गिल ने कितने नए रिकॉर्ड बनाए हैं। शुभमन गिल सबसे कम उम्र में डबल सेंचुरी यानी दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं, और उन्होंने 149 गेंदों पर 208 रन बनाए। इसके अलावा दुनिया में अब तक 8 खिलाड़ियों ने ही किसी वनडे मैच में दोहरा शतक लगाया है। 50 ओवर के वनडे मैच में सिर्फ 8 खिलाड़ियों ने दोहरा शतक लगाया है, और इन 8 में से भी 5 खिलाड़ी भारत के हैं। इसके अलावा रोहित शर्मा दुनिया के इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक दो नहीं बल्कि 3 बार वनडे मैचों में डबल सेंचुरी लगा चुके हैं। यानी अगर आप देखेंगे तो भारत के बल्लेबाजों के लिए 200 रनों का पहाड़ चढ़ना कोई मुश्किल बात नहीं है। और हमारा देश असल में इसीलिए कहा जाता है हमारा देश बल्लेबाजों का देश है, और आपने देखा भी होगा कि हमारे देश में हर किसी को, जब बचपन में हम क्रिकेट खेलते हैं, गली क्रिकेट जो खेलते हैं, तो हर कोई सिर्फ बैटिंग ही करना चाहता है, सबको बैटिंग करने का शौक है। और इसीलिए आपने ये भी देखा कि भारत जो है वो धीरे धीरे बल्लेबाजों का देश बन गया, बल्लेबाजों की टीम बन गया, हमारे पास बल्लेबाज एक से एक है, और ये लाइनअप देखकर आप समझ जाएंगे। हालांकि अब हमारे पास बॉलर्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि भारत बल्लेबाजों का देश है। शुभमन गिल वनडे फॉर्मेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी भी बन गए हैं। उन्होंने सिर्फ 19 मैचों में 1000 रन पूरे कर लिए हैं, जबकि विराट कोहली और शिखर धवन ने 1000 रन पूरे करने के लिए 24 मैच खेले थे। तो यह अंतर है, जो इन दोनों खिलाड़ियों ने 24 मैचों में किया स्कोर, वो इन्होंने 19 मैच में कर लिया।